यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बदलने जा रही है बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन की तस्वीर। जी हाँ, लगभग 30 साल बाद अब बनारस रेलवे स्टेशन की तस्वीर नए कलेवर में नजर आएगी और ये नया कलेवर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। बता दें कि कैंट रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है। लगभग 550 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 150 परियोजनाएं हैं, जिसके तहत बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन की तस्वीर को बदला जाएगा और इस तस्वीर को धरातल पर उतारने के लिए पुरजोर तैयारियां चल रही हैं और इसी के तहत आगामी 45 दिन बाद इस स्वरूप में एक नई तस्वीर जुड़ जाएगी, जो नई तस्वीर यात्रियों को नई सुविधाओं की सौगात देगी। बता दें कि यार्ड रिमॉडलिंग की परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए रेलवे लगातार काम कर रहा है और इसी के तहत आगामी 45 दिनों में एक मेगा ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके तहत कुछ ट्रेनों को रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया जाएगा और कुछ के स्टेशन ओरिजिनेट पॉइंट को बदला जाएगा, जिससे यहाँ पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम हो सके और आगामी दिनों में यात्रियों को नई सुविधाएँ मिल सके। इस योजना है यार्ड रिमॉडलिंग की, ये 568 करोड़ की है। इसका फेज़ वन काम कंप्लीट हो गया, फेज़ टू के काम करने जा रहे हैं 1 सितंबर से। इसको करने से हमें बहुत एडवांटेज है, प्लेटफॉर्म हमारे बढ़ जा रहे हैं, 9 से 11 हो जा रहे हैं। लेंथ जो है प्लेटफॉर्म की लेंथ, अभी जो फुल लेंथ है 3 है, 3 से 11 हो जा रही हैं। रनिंग लाइन हमारे पास अभी प्रेजेंट 12 है, वो बढ़ के 15 हो जाएंगी। अभी जो थ्रो गुड्स है केवल 2 लाइन हमारे पास है, उसमें 6 लाइन हो जाएंगी। एंड नंबर ऑफ वॉशिंग लाइन अभी प्रेजेंट में 4 हैं, उसमें 8 हो जाएंगी। इसमें 2 जो है वंदे भारत के लिए बन रही हैं, स्पेशली जो कवर्ड सेट हैं। नंबर ऑफ फुल लेंथ वॉशिंग लाइन जो हैं, अभी 2 हमारे पास फुल ट्रेन ले सकते हैं, वो बढ़ के 8 फुल हो जाएंगी। स्टेबलिंग लाइन 3 से बढ़ के 8 हो जाएंगी। और डायमंड क्रैम जो सेफ्टी को से उसको हटाना ज़रूरी होता है, वो 9 में से हम 8 हटा देंगे। इसके साथ साथ हम ट्रैफिक सेग्रेशन कर लेंगे और जो हमारे 21 एवरेज ट्रेन जो है बाहर डिटेन होती है, उसको कंप्लीट इलिमिनेट हो जाएगा यार्ड रिमॉडलिंग से। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का हम वाइडनिंग करेंगे, उसमें एस्केलेटर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब लग जाएंगी। और इसे जो है ये बड़ा लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट रहा है और ये इसे बड़ी फ़ायदा मिलेगी और ये लॉन्ग रहेगा। एक बार हो जाने से 20-25 साल के लिए एक बहुत बड़ा आगे, मतलब अब हम ऐड ऑन करते जाएंगे। हमें सिस्टम लगा था 1994 में, लगा था लगभग 30 साल पहले, अब उसको रिप्लेस किया जाएगा, उसकी कोडल लाइफ ख़त्म हो गई लगभग। मिला जुला के कहा जा सकता है कि लगभग 30 साल बाद बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलने जा रही है और ये बदलती तस्वीर यात्रियों के लिए उन सुविधाओं की सौगात होगी, जो बनारस के विकास को और आगे बढ़ाएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।